नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीआई न्यूज़। मैं आपके साथ दिव्यांशु सिंह। सन 2017 में यूपी में मोदी लहर आई थी। एक बार फिर बीजेपी ने जनता से खूब वायदे किए। योगी के सूबे का मुखिया बनते ही ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार पुरानी होगी, इस सरकार के वायदे भी पुराने हो जाएंगे। इन्हीं वायदों में से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम लक्ष्य था, वो प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों का था। शुरुआत में लीपापोती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल बंद हो गई। आए दिन सड़कों पर कुएंनुमा गड्ढों से लोगों की जानें जाती हैं। चंद दिनों पहले ही जौनपुर के बजरंग नगर में कुएं जैसी सड़क के कारण एक नए वैवाहिक परिवार का सुख उजड़ गया। छोटी फूल सी बच्ची की माँ उससे छिन गई। सिर्फ यही नहीं, जौनपुर जनपद की दो सड़कें जहाँ यहाँ से गुजरती गाड़ियों को देखकर वहाँ के लोग यही कयास लगाते हैं कि ये अब गिरा तब गिरा। आइए हम कुछ दृश्यों के माध्यम से आपको जौनपुर आजमगढ़ मार्ग की और दूसरा दृश्य जलालपुर से किराकत मार्ग की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए भाई, ढाला फट चुका है यार, बहुत परेशानी है। ये धक्का मरवाओ यार, उसको धक्का मरवाओ। Mm-hmm.